यही कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण की वजह से आज इस देश की हर बेटी यहाँ पे सुरक्षित फील करती है। सपने देखने का हर एक लड़की को मौका मिलता है, और मौका ही नहीं मतलब हर लड़की अपने सपने पूरे करने का साहस रखती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, यू नो जर्नलिज्म हो, एक्टिंग हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह लड़कियाँ आगे हैं और यू नो पूरा प्रॉपरली फाइट करती हैं। आई थिंक दैट इज सच अ ग्रेट थिंग टू हैव हैपेंड टू आवर कंट्री, एंड आई थिंक इट्स ओनली गोना गो अप फ्रॉम हियर। आई थिंक हमारे यूथ और हमारा भारत तैयार है कि श्रेष्ठता की तरफ जाने की ओर, और एंड आई रियली विश कि ये जल्द से जल्द हो। जिस तरीके से हम यहाँ पर भी जब आज वॉक कर रहे थे कैंसर सर्वाइवर्स के साथ वॉक करके या टेरर अटैक सर्वाइवर्स के साथ वॉक करके, अगेन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, और मुझे जेन्युइनली उनके साथ और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस हुआ। सो थैंक्स टू मनीष एज ऑलवेज एंड द एंटायर टीम ऑफ नमो भारत। मेरी जर्नी शुरू हुई फिल्मों से। मुझे बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था और कपड़ों का भी। सो खुद सीखा हूँ, ड्राइंग करता था, स्केचिंग करता था, फिर आई गॉट इनटू क्लोथ्स विद मूवीज, वहाँ नाम कमा के फिर मैंने अपना एक लेबल शुरू किया जिसको आज 19 साल हो गए हैं। एंड मेरे लिए बहुत ये तमन्ना थी कि आई डू वर्क विद द वीवर्स, आई वर्क इन बनारस, आई वर्क इन कश्मीर, आई वर्क इन यू नो अवध, आई वर्क इन डिफरेंट रीजन्स विद क्राफ्ट पीपल, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक इतनी अच्छी क्राफ्ट है। मैंने फुलकारी का भी काम किया, जिसे मैं फिलाडेल्फिया म्यूजियम लेके गया फुलकारी कलेक्शन, अभी G20 में भी हमने दिखाई थी वो कलेक्शन। सो आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ ग्लैमर है, जहाँ नाम है, वहाँ बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने हैंडलूम्स और अपने टेक्सटाइल्स को एक स्टेज, यू नो सेंटर स्टेज देना, एंड आई थिंक मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है।